हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का जो वीडियो है ये मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए कभी भी आप कोई सेकेंड हैंड कार परचेस करने जाते हो या आप इंस्पेक्शन के लिए जाते हो। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपने क्या करना चाहिए कि कोई भी कार अगर आप पहली बार देखते हो तो सबसे पहले आपने देखना चाहिए कि उसके अंदर जो ऑयल लेवल है वो अप टू मार्क है कि नहीं, यानी कि जो ऑयल लेवल है वो मैक्सिमम लेवल तक है कि नहीं। ऑयल स्टिक के अंदर एक ऑयल स्टिक रहती है, वो ऑयल स्टिक के ऊपर लेवलिंग रहती है, एक रहती है एक मैक्सिमम और एक रहती है मिनिमम। तो मिनिमम पे तो कोई कार चलाता नहीं है, मोस्टली मैक्सिमम पे रहती है। हाँ, अगर ऑयल लेवल कम हो सकता है अगर कोई कार का चेंबर लीकेज हुआ हो तो इसलिए मैं दोस्तों कहता हूँ कि ऑयल लेवल कभी भी आपने चेक करनी चाहिए। उसके बाद में आपने चेक करना चाहिए कि ऑयल कार के अंदर कूलेंट की लेवल कितनी, कूलेंट है या नहीं है। उसके बाद में ब्रेक्स लग रहे हैं कार के या नहीं लग रहे हैं। दूसरी चीज आपने एक और ये भी देखना चाहिए कि हमारी जो कार है वो कार के अंदर माल फंक्शन लाइट लग रहा है या नहीं। अगर कोई कार का माल फंक्शन लाइट लग रहा है तो फिर जो ओनर है वो ओनर को एक बार पूछ लेना चाहिए कि ये जो लाइट है ये कब से लग रहा है और ये क्यों लग रहा है। ओके, अभी मैं आपको बताता हूँ कि क्या होगा अगर आपने ये सब चीजें नहीं देखी और अगर समझो ये चीजें अगर नहीं हुई तो, यानी कि जैसे कि अगर आपने ऑयल लेवल नहीं चेक की और समझो ऑयल नहीं रहेगा कार में तो क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहली बात तो आप जब कार स्टार्ट करोगे, कार स्टार्ट होने के बाद अगर ऑयल लेवल मिनिमम से भी कम हो तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, ऑयल का जो लेवल है वो कम होने की वजह से क्या होगा, जो इंजन है वो लॉक हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, जो इंजन है वो टोटली लॉक हो जाएगा। आपको इंजन ओवरहॉल करना पड़ेगा, इंजन के जो अंदर के जो क्रैंक्स कनेक्टेड रॉड्स जो है जो पिस्टन्स के साथ कनेक्टेड रहते हैं वो टूट जाएंगे ड्यू टू ओवरहीटिंग। और अगर कूलेंट भी नहीं रहा तो कार के अंदर भी देखिए ओवरहीट होने की वजह से प्रॉब्लम्स आ सकती है, तो इसलिए आपने कूलेंट भी चेक करना चाहिए। उसके बाद में अगर कार के अंदर कोई माल फंक्शन लाइट लग रहा हो तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, ऐसी कार चलाने का रिस्क उठाइए ही मत। सबसे पहली बात, अगर समझो कार का माल फंक्शन लाइट लगता है तो फिर ऐसे कंडीशन में क्या है कि कार कभी भी रास्ते के ऊपर ब्रेक डाउन हो सकती है। तो इसलिए ऐसी कार जो है वो अवॉइड कीजिए परचेस करने के लिए, या ऐसी कार अवॉइड कीजिए गैरेज तक लेके जाने के लिए। ऐसे कंडीशन में आप जो कार का जो ओनर है उसे ही रिक्वेस्ट कीजिए कि आप चलिए हमारे साथ, आप ही कार लेके चलिए कार परचेस करने के लिए जाते हो या इंस्पेक्शन के लिए गैरेज वाले के पास लेके जाते हो तो सबसे पहले देखिए जो कार का जो ओनर है उसको साथ में ही लेके जाइए। जी हाँ दोस्तों, कभी भी कार को अकेला लेके जाने की रिस्क मत लीजिए। ये मैं क्यों बताता हूँ, ये मैं आपको एक एग्जांपल के साथ अभी बताने वाला हूँ। वो मैं इसलिए बताता हूँ कि अगर कोई कार में कोई प्रॉब्लम हो और जो ओनर को पता हो लेकिन वो आपने जब कार इंस्पेक्ट की है अभी, मतलब 5-10 मिनट में जो भी इंस्पेक्ट की होगी आपने, अगर वो प्रॉब्लम आपके सामने आई नहीं हो और अगर जाते जाते गैरेज में जाते जाते अगर वो प्रॉब्लम आती है तो फिर ओनर को तो यही लगेगा कि जो ओनर तो यही बताएगा कि मैंने तो आपको जो कार दी थी वो तो अच्छे कंडीशन में दी थी, आप जब लेके गए तो ही हुआ। यानी कि ओनर इन शॉर्ट बताएगा कि आपकी वजह से ही ये प्रॉब्लम हुआ है। यानी कि मैं आपको एक छोटा सा अभी एक एग्जांपल देता हूँ। जब मैंने ये मेरी जो फोक्सवैगन की वेंटो है जब मैंने परचेस की थी, ये परचेस करने से पहले यानी कि जस्ट 2 या 3 महीने पहले की बात है, ये कार परचेस करने से पहले मैंने फोक्सवैगन की पोलो देखी थी, हाईलैंड 2011 व्हाइट कलर पोलो देखी थी डीजल, और वो कार की डील मेरी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी थी, 2,35,000 में हमारी डील हो चुकी थी। बस मैंने इतना ही बोला था कि जो कार का जो ओनर था मैंने उसे बताया था कि मैं सिर्फ एक बार मेरे घर के पीछे जो गैरेज वाला है वो गैरेज वाले को जरा एक बार कार दिखा देता हूँ, अगर वो कार वाले ने मुझे ग्रीन सिग्नल दिया तो फिर मैं तुरंत आपको 2,35,000 रुपीज का चेक लेके आऊंगा, ऐसा मैंने वो ओनर को बताया था। मैंने ओनर को ये भी बताया था कि आप भी चलो मेरे साथ, लेकिन जो ओनर था वो बोला कि कोई प्रॉब्लम नहीं, आप अकेले ही लेके जाओ, कोई टेंशन की बात नहीं। तो अभी हुआ ये कि जो ओनर था जहां पे उसका घर था वहां से लेके तो मेरे घर तक 13 किलोमीटर का डिस्टेंस था, जो पोलो का जो ओनर था वो 13 किलोमीटर दूर था मेरे घर से। मैंने वहां से उसकी पोलो ली और निकला मैं गैरेज वाले के पास जाने के लिए, और कुछ तो भी 3 या 4 किलोमीटर के अंदर क्या हुआ कि जो कार है उसके अंदर ऐसे झटके आने शुरू हो गए,
झटके आने शुरू हुए और थोड़ी देर के बाद क्या हुआ कि थोड़ी सी ऐसी जलने जैसी स्मेल आई और कार जगह पे रुक गई। अभी ऐसे कंडीशन में क्या हुआ कि मैंने वो जो पोलो का जो ओनर था, मैंने उसे बताया कि ऐसा ऐसा हुआ है, कार का आवाज आया और कार बंद गिर गई। तो मुझे जो पोलो का जो ओनर है उसने बताया कि शायद से उसके अंदर डीजल खत्म हुआ होगा, तो फिर आप डीजल डाल के एक बार देख लीजिए। तो फिर मैंने बताया कि वो कार जो है वो क्रैंक उठा ही नहीं रही है, क्रैंक हो ही नहीं रही, तो डीजल का तो संबंध आता ही नहीं। और डीजल की एक पॉइंट दिख रहा था, डीजल का एक पॉइंट यानी कि ऑलमोस्ट 5 से 6 लीटर डीजल रहता है कार के अंदर। तो मैंने उसे बताया कि डीजल है कार के अंदर, डीजल का कुछ इशू नहीं है। तो फिर उसने क्या हुआ कि वो आया थोड़ी देर के बाद, बाद में हमने फिर 2 लीटर डीजल डाला कार के अंदर, लेकिन फिर भी क्रैंक तो उठा नहीं रही थी। तो थोड़ी देर के बाद क्या हुआ कि हमने एक गैरेज, लोकल गैरेज वाले को पकड़ा, रात के 12 बजे की बात है ये, हमने एक गैरेज वाले को पकड़ा, फ़ोन किया, उसे बुलाया। जब वो गैरेज वाला है उसने बोनट ओपन किया, बाद में उसने नीचे झुक के देखा तो थोड़ा सा ऑयल गिरा हुआ था। तो जब उसने जो स्टिक निकाली, तो स्टिक निकालने के बाद पता चला तो कार के अंदर ऑयल ही नहीं था। और उसने बता दिया था कि कार का जो इंजन है वो टोटली लॉक हो चुका है, अभी इंजन ओवरहॉल करना पड़ेगा, यानी कि कार के अंदर जो ब्लॉक पिस्टन के जो कनेक्टिंग रॉड्स है वो टूट चुके थे, ऐसा उसने बताया था। तो फिर ऐसे कंडीशन में उसने बताया कि अभी टो करके गैरेज में लेके जाना पड़ेगा। और जब मैंने फोक्सवैगन के शोरूम में जस्ट एक फ़ोन करके पूछा कि कितना खर्चा होगा, तो शोरूम का खर्चा मुझे 2 लाख रुपए बताया गया। तो इसलिए मैंने वो कार छोड़ दी। लेकिन उसके बाद में हुआ ऐसा कि वो जो ओनर है उसने मुझे बताया कि मैंने तो आपको कार चालू कंडीशन में दी थी, और फिर ये कैसे क्या हो गया, कार तो अच्छी थी। तो मैंने उसे क्लियर कट बताया कि देखिए, सबसे पहली बात तो मैंने आपको बताया था कि आप भी चलिए मेरे साथ, लेकिन आप नहीं हैं तो गलती आपकी थी। और क्या था कि वो कार के अंदर जीपीएस भी था, तो फिर और मुझे जीपीएस के अंदर ट्रैक भी कर रहा था। तो उसने मुझे खुद होके ही बताया था कि ये आपने कार तो कुछ ज़्यादा फास्ट चलाई नहीं, आपने 40-50 के स्पीड पे ही कार चलाई थी। तो इसलिए उसको एक विश्वास था मेरे ऊपर कि मेरे पास से कोई गलती भी नहीं। और सबसे पहली बात तो 3.5 लीटर्स का ऑयल रहता है इंजन के अंदर, और जो नीचे ऑयल गिरा हुआ था जब हमने देखा था नहीं, तो थोड़ा सा ही ऑयल गिरा था, यानी कि इसका मतलब जो चेंबर था कार का वो बहुत दिन से लीक था, लेकिन उस दिन ही उसका ऑयल ख़त्म हुआ था। तो ये मतलब उस दिन वो बैड लक था वो कार के लिए कि उस दिन वो ऑयल ख़त्म हुआ, और कहीं ना कहीं मेरा गुड लक था कि मैं वो चेक लेके आने वाला था, लेकिन ऐसा समझ के चलिए कि 10 मिनट के बाद मुझे चेक लेके आना था, लेकिन मुझे पता चल गया कि कार तो खराब है, तो इसलिए वो डील कैंसिल हो गई। तो यही दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कभी भी अगर कोई कार आप इंस्पेक्शन के लिए लेके जाते हो गैरेज वाले के पास, तो खुद रिस्क मत लीजिए, ओनर को बताइए कि गैरेज वाले के पास लेके जाइए। उसके बाद में आप जो सील है कार की वो सील भी चेक कीजिए, जो कि अभी इंटरनेट पे यूट्यूब पे आपको बहुत से वीडियोस मिल जाएंगे जिससे आपको पता चलेगा कि सील कैसे चेक करते हैं कार की। उसके बाद में नेगोशिएट कीजिए अगर कार के अंदर कोई काम होगा तो। उसके बाद में अगर कोई माल फंक्शन लाइट लगा होगा तो ऐसे कंडीशन में भी कार को चलाने की रिस्क मत लीजिए, क्योंकि देखिए जब कार कोई भी खर्चा निकलती है तो वो 200-500 रुपए का खर्चा नहीं रहता है, वो हज़ारों में रहता है, वो खर्चा बहुत बड़ा रहता है। और फोक्सवैगन और स्कोडा जैसे कारों का तो मतलब खर्चे जो स्पेयर पार्ट है वो तो आपको पता ही है जी, मतलब ड्यूरेबल है ये तो मैंने आपको बहुत से वीडियो में बताया, लेकिन कॉस्टली भी एज़ कम्पेयर टू अदर व्हीकल्स, क्वालिटी भी है। तो यही दोस्तों आज के वीडियो में मुझे आपको बताना था कि रिस्क मत लीजिए, कोई भी कार इंस्पेक्शन के लिए आप लेके जाते हो गैरेज वाले के पास, ओनर को ही लेके जाने दीजिए, और आप उनके साथ बैठिए और देखिए, और कभी भी चेंबर, ऑयल, कूलेंट, ब्रेक्स लग रहे हैं या नहीं लग रहे हैं ये सब चीज़ें देखिए, क्योंकि ये सब चीज़ें जो है ये बहुत मायने रखती है। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, आई होप सो कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और अगर आपके मन में कोई भी सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे ये सवाल पूछ लीजिए। और हाँ दोस्तों, मेरे प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सो बाय फ्रेंड्स।